एक अपनी विचारधारा की बात की, जब अजीत पवार को आप लाए फिर आपके नीचे शिव सैनिक्स में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, शिवसेना और बीजेपी सेम आइडियोलॉजी वाली पार्टी है ना। अजीत दादा जो आए वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे आए। आप अगर पहले जो टेंडर निकला उसमें हमने अगर कुछ चेंज करके अदानी को ज़्यादा फेवर किया होता तो हमारे पर आरोप लगा दे। नमस्कार, मेरा नाम डीके सिंह है। मेरे साथ है मेरी मुंबई की कॉलीग मानसी फड़के। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन इंटरव्यू एट सच ए लेट आवर। सर 2:30 हो रहा है मॉर्निंग का। मुझे पता चला कि आप 9 बजे निकलते हैं। मतलब लिटरली आपने सुबह निकलना है। सुबह में 9 बजे निकलते हैं, आप 2:30 बजे आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका सर डेली रूटीन है ऑलमोस्ट, ये दिन रात आपने लिटरली एक कर रखी है। कितना सीट आप देख रहे हैं अपने लिए, कितना कहाँ तक आ रहा है? हम पूरी मेजोरिटी लाएंगे। कितने सीट? 170 और शिवसेना का उसमें कितना होगा? शिवसेना का भी मेजर पार्ट हो। हम ये चाहते हैं कि हमारी महायुति जो है, हमारा गठबंधन जो है, वो मजबूती से चुनाव में जीते। इसलिए कौन कितने जीता इससे हमारा महायुति कितनी जीती है इसमें हम फोकस किया हुआ है। तो कौन किसका कैंडिडेट है इससे आगे बढ़कर हमारे महायुति का कैंडिडेट जिताना उसमें हम लोग लगे हैं। मैं 2-3 दिन से भी मुंबई में घूम रहा हूँ। जब पोस्टर्स होते हैं, बीजेपी का पोस्टर होता है तो उसे प्रधानमंत्री होते हैं और देवेंद्र फडणवीस होते हैं, आपका एक ऊपर से बस मग शॉट लगा होता है। आपके जब पोस्टर्स होते हैं तो उसमें आप हैं, बाला साहब ठाकरे उनका पिक्चर है प्रधानमंत्री जी का, फिर बाकी सबका मग शॉट लगा होता है। वैसे ही सुना है कि उनके अजीत पवार के उनके रीजन में जाए उनका ऐसे ही है, तो ये लोगों में कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि कौन है आखिर चेहरा जो अगला? चेहरा क्या है? चेहरा हमारा फोकस ये है कि हमारे में कोई ऐसी रेस नहीं है। हमारे में जैसे MBA में मुझे बनाओ फेस, मुझे बनाओ फेस। अभी वो फेस अगर MBA को ही नहीं चल रहा है तो महाराष्ट्र को कैसे चलेगा? हमारे में कोई ऐसी होड़ नहीं है। हम यही चाहते, मुझे क्या मिला इससे मैं महाराष्ट्र को क्या दूंगा, मेरी जनता को क्या मिलेगा। इसलिए हम पहला हमारा फोकस है कि मेजोरिटी लाना, और हमें विश्वास है। आपने ऑटो रिक्शा चलाया है, आपके सपोज 2 परमानेंट पैसेंजर हो, आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ दूर चलाने के बाद कोई आपके पैसेंजर बोले कि नहीं आप थोड़ी दूर मैं ही चलाऊंगा, पैसेंजर बैठ जाओ, आप बैठने देते? देखिए, ये सरकार चलाना और हमारी सरकार जो है, आज हम कहते हैं कि 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल भी नहीं हुए, इसमें 2.5 साल में MBA की सरकार ने क्या किया, कितने काम को बंद करवाया, कितने काम को बिगाड़ दिया। एंटी डेवलपमेंट विजन रखकर काम करने वाली MBA सरकार थी। पूरे स्पीड ब्रेकर ठोक दिए थे, सब काम को रोक दिए थे। अगर हम सरकार, हमारी महायुति की सरकार नहीं आती तो ये हम 10-15 साल 20 साल पीछे चले जाते। हम आते ही सब प्रोजेक्ट को शुरू कर दिए, नागपुर मुंबई समृद्धि किया, मेट्रो का फेज में हम आगे बढ़ा रहे, मेट्रो 3, कारशेड, कोस्टल रोड, MTHL, ये सब गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। और ये हमने शुरू कर दिए, नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले। स्कीम्स हमने लॉन्च की कई, उससे फायदा हो रहा है लोगों को। सरकार का फायदा किसको होना चाहिए, खुद को होना चाहिए या पब्लिक को होना चाहिए? और अभी तो आप सांता क्लॉज बने हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ। हाँ, हर परिवार में हर एक सदस्य को, आप सदस्य के लिए आपने कोई ना कोई स्कीम अनाउंस की है। सरकार किसके लिए होता है? राज्य का विकास, राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ाना और कल्याणकारी योजना जो है, वेलफेयर स्कीम जो पब्लिक के लिए। हम कहते हैं हमारी सरकार एक कॉमन पीपल की सरकार है। मैं तो खुद को भी कॉमन मैन समझता हूँ।
तो हमारी सरकार का फायदा हमारे सर्वसाधारण लोगों को होना चाहिए, तो हम कर रहे हैं। आपके स्कीम्स पे अभी हम बात करें, उससे पहले एक पूछना चाह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था लोगों से आपको वर्किंग स्टाइल जो है आपके डिप्यूटीज का, जैसे आप हैं कहते हैं ऑफिसर्स को सुबह में 3 बजे 4 बजे फ़ोन चला रहता है आपकी तरफ से, आपके एक डिप्टी हैं जैसे अजित पवार, उनका फ़ोन फिर 6 बजे से आना शुरू हो जाता है, तो ऑफिशियल्स को समझ में नहीं आ रहा क्या सिस्टम कैसे चल रहा है। हमारा सिस्टम 24/7 है, 24/7 सिस्टम हमारा चलता है। मैं देर रात तक काम करता हूँ, देवेंद्र जी देर रात तक, अजीत दादा सुबह जल्दी काम शुरू करते हैं, तो 24/7 गवर्नमेंट शुरू है। लेकिन कितना मुश्किल होता है कि आप कुर्सी पर बैठे हुए, आपके 2 डिप्टीज लगातार उस कुर्सी को देखे जा रहे हैं, थोड़ा सा उसमें फंक्शनिंग को कैसे देखेंगे, वो तो सामने देखेंगे ना। और हमारे में कोई ऐसा कुर्सी की लालच में कोई रेस नहीं है। मैं 2 साल 2.5 साल लगभग दोनों के साथ काम किया है, और वो भी काफ़ी समझदार है, मैच्योर्ड है। देवेंद्र जी ने भी CM का काम किया है, एक्सपीरियंस है उनको। अजीत दादा ने कई साल मंत्री बन के डिप्टी CM का काम किया है, मैं मिनिस्टर काम किया, मैं CM बन गया। इससे हमारा मकसद एक ही है, हमारा फोकस एक है कि हमारे महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य को आगे बढ़ाना, उसका डेवलपमेंट करना, और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए ना। लोग बोलने चाहिए सरकार हमारी है, हमारे हित के लिए कुछ कर रही है। तो आज तक जितने फैसले हमने किए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी, देश में पहला नंबर पे हम, और वेलफेयर स्कीम्स हर एक को, किसान को भी, कामगार को भी, महिलाओं को भी, युवाओं को भी, सीनियर सिटीजन को भी, तो क्या बुरा है इसमें? आप जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद दिल्ली में मैं आपसे मिला था, उस समय हमने बात की थी मुंबई के डी कॉन्जेशन के, कि कब जो भी लोग मुंबई की बात करते हैं ट्रैफिक ट्रैफिक होता रहता है, आपने कहा था कि नहीं मेरे टेन्योर अंत होने के इस टेन्योर में हम काफ़ी कुछ कर जाएंगे, फिर आगे देखेंगे उसमें कितना हुआ है और कैसे डी कॉन्जेशन। अभी देखिए ना, मैं यही कह रहा हूँ, जब मेट्रो को स्टे दिया था, कारशेड को स्टे दिया, वो स्टे हमने हटा दिया, बुलेट ट्रेन को स्टे दिया था वो हमने हटा दिया, और मेट्रो फेज में हम शुरू किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ इनॉग्रेशन के लिए आए। मेट्रो 3 में आज लगभग 10 से 12 लाख लोग एवरी डे पर डे ट्रेवल कर रहे हैं। अभी मार्च में ये सेकंड फेज हो जाएगा, 25 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेवल करेंगे। ये हमारी जो रेलवे लाइन है दूसरी, वो जो लाइफ लाइन कहते हैं मुंबई की, अभी मेट्रो फेज में ये मेट्रो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है, हम उसको पूरा करेंगे। अभी फेजेस में हम कर रहे हैं, लोगों को राहत मिल रही है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी जब मिलती है तो लोग खुद की गाड़ी नहीं लाएंगे, गाड़ी में मेट्रो में ट्रेवल करेंगे, घर जल्दी चले जाएंगे, ऑफिस जल्दी जाएंगे, इफ़िशेंसी से काम करेंगे, उसका निश्चित रूप से डेवलपमेंट पे जरूर असर होगा। अगर आप दोबारा मुख्यमंत्री होके आए तो क्या आप मुंबई वासियों को बताएंगे कि किस साल तक उनका ये ट्रैफिक वाला हेडेक खत्म हो जाएगा? देखिए, आपका सवाल जो है, हमारा पहला मकसद है कि महायुति का सरकार लाना, मेजोरिटी लाना। अभी हमारे में कोई उनके जैसे होड़ नहीं है, कोई रेस नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। नहीं, चलिए, मैं अगर आपकी सरकार आ गई। हाँ, आपने सवाल पूछा था दूसरा। आप कुछ मुझे ऐसा पकड़ने चाहते हैं? अगर आपकी सरकार वापस आए तो हमारी प्रायोरिटी डीकंजेस्ट बोला था ना आपने। हाँ, प्रायोरिटी ट्रैफिक में आज हम लोग मुंबई में ही ये मेट्रो की वजह से ट्रैफिक कम हो जाएगी। ये गोरेगांव लिंक रोड है जो ईस्ट वेस्ट को जोड़ेगा टनल से। हाँ, मुलुंड। दूसरी बात है ठाणे से बिरबोली 10 मिनट में ठाणे से बिरबोली। वो कब तक उसका काम शुरू हो गया? अगले 3-4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मुंबई डीकंजेस्ट हो जाएगी, मुंबई में रिंग रोड जैसे, बाईपास जैसे, जैसे मुंबई से थाना, थाना से
अहमदाबाद रोड जो लगता है मेरा भाईंदर, वो बाईपास हो रहा है, या जो कोस्टल है जो अभी वर्सोवा से विरार तक जाएगा, विरार से डानू जाएगा, तो ये कितना समय बचेगा। तो एक ये ऑपोजिशन की एक जो बात है कि देर आर मल्टीपल वेज इन विच मुंबई इज बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू गुजरात, जैसे आप बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट देखो, या तो आप मुंबई बड़ोड़ा एक्सप्रेस वे हाईवे जो बन रहा है वो, तो ये मुंबई को गुजरात के करीब लाने की एक साजिश हो रही है, ऑपोजिशन का गुजरात के हमारे भारत में नहीं है क्या? हमारे महाराष्ट्र में कितने प्रोजेक्ट शुरू है, आज हम देखेंगे तो हम जो एक्सेस कंट्रोल का ग्रिड बना रहे, कोई भी कोने में 6 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे, समय बचेगा, लोगों की तकलीफ बचेगी, अब पोल्यूशन कम होगा, फ्यूल बचेगा, ये लोगों को कितना राहत मिलेगा। ये हम कर रहे हैं, मेट्रो का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, पोर्ट कर रहे हैं, वाटर कनेक्टिविटी कर रहे हैं, अभी वाडवन पोर्ट बन रहा है, दुनिया का टॉप 10 में से उसका नंबर है, पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। अपोजिशन कह रही है कि अब गुजरात में इन्वेस्टमेंट जाने दे रहे हैं सर, अब जो यहाँ आना था गुजरात चले जाते हैं। ये तो उनके पास कोई दूसरा आरोप लगाने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि 2.5 साल में उन्होंने कुछ भी किया नहीं है, और मैं कहूँगा दावे के साथ 2.5 साल में उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट लाया। आज महाराष्ट्र में टोटल इन्वेस्टमेंट के 52% महाराष्ट्र में FDI है, कंट्री का 52% कंट्री का। आज इंडस्ट्री हमारे पास आ रही है, हम स्टार्टअप में फर्स्ट नंबर है, GDP में फर्स्ट नंबर है, महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। अगर इंडस्ट्री नहीं आती तो ये महाराष्ट्र आगे, हमारे यहाँ पोटेंशियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है। धारावी प्रोजेक्ट पे वो करेगा, अडानी को आप फेवर कर रहे हैं, अपोजिशन का कहना है। जब मुख्यमंत्री उद्धव जी थे तब एक कंपनी नाम मुझे याद नहीं, कुछ एक कंपनी थी, उसको लगभग काम का अलॉटमेंट हो रहा था, उसको रद्द करवाया। सेकलिंग क्यों रद्द करवाया? अभी सेकंड जो कंपनी थी अदानी कंपनी थी, तब सरकार में से गए विपक्ष में तो विरोध करने लग गए, लोगों का भला विपक्ष हो या सरकार के लोग, लोगों के जीवन मान को ऊंचा करना, उनकी जो लाइफ है वो उसमें बदलाव लाना, क्वालिटी लाइफ उनको जीने का अधिकार है। तो आज 2 लाख घर वहाँ पर है, पहले सरकार ने सिर्फ जो क्वालिफाई होते हैं उनको घर दो ऐसा कहा था, हमने कहा हर एक को घर दो, आज हर एक को घर मुंबई में मिलेगा, तो 1-2 लाख लोगों को एक घर की कीमत 1 करोड़ होगी, तो 2 लाख करोड़ के घर लोगों को मिलेंगे, तो क्या उनको ये जिंदगी जो है वैसे रखनी, क्या हालत है वहाँ पर धारावी की? हम हमारे नए नए मकान बंगले बनाते, सब प्रॉपर्टी बनाते, क्या उनको जीने का हक नहीं है? हम अदानी कंपनी को कुछ भी नहीं दे रहे, हम DRP को दे रहे हैं, DRP एक गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट की वोट उसमें प्रॉफिट शेयरिंग है। तो ये जो वो लैंड की ओनरशिप पूरी गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, पूरी गवर्नमेंट के पास रहेगी। TDR का मामला, उसमें भी हम कैपिंग किया है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते, ये पहले नहीं हुआ था। आप अगर पहले जो टेंडर निकला उसमें हमने अगर कुछ चेंज करके अदानी को ज़्यादा फेवर किया होता तो हमारे पर आरोप लगा दे, हमने एक ही किया है सबको घर और उनको एक धारा भी रीडेवलप होती है, तो ये एक बहुत बड़ा स्लम
और वहाँ के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। लोकसभा चुनाव को देख के आप क्या मतलब शॉक हुए कि एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का रिजल्ट लोकसभा में? नहीं नहीं, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये फेक नैरेटिव वाला मामला था। संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन जाएगा, मुस्लिम लोगों को डराया, क्रिश्चियन लोगों को डराया, आदिवासी लोगों को डराया, दलितों को डराया, संविधान बदलेंगे, बाबा साहब की घटना चेंज होगी, ये होगा वो होगा, और समय कम था। लेकिन अब लोगों को पता चल गया है, और अभी तो ये असेंबली इलेक्शन में वो मुद्दे नहीं होते, लोकलाइज होता है, लोगों के मुद्दे होते हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं, चुनाव क्षेत्र के विकास के काम होते हैं, उसमें हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने आपको, इलेक्शन कमीशन ने आपको मतलब शिवसेना का असली जो है सो सिंबल दे दिया, मतलब शिवसेना आपकी हो गई, लेकिन वो चुनाव आयोग का था। क्या कह सकते हैं कि इस चुनाव में ये डिसाइड होगा, जनता करेगी कि कौन असली शिवसेना किनके पास है? ऐसे तो मैं बताऊंगा कि लोकसभा में लगभग प्रूव किया है लोगों ने, क्योंकि उनसे हम वोट शेयर ज़्यादा लिया है, स्ट्राइक रेट हमारा ज़्यादा है, विधानसभा में उसके दुगना हो जाए, क्योंकि हम भाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी उनकी विचारधारा के लोग तो हमारे साथ जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, और धनुषबाण हमारे पास है, शिवसेना हमारे पास है, हम कोई पार्टी नई पार्टी नहीं बनाई है, नई पार्टी तो उन्होंने बनाई, बाला साहब ठाकरे जी के विचार के परे, एंटी विचारधारा वाली। अगर उद्धव ठाकरे कहते हैं आपको इन्फॉर्म करके, अच्छा ठीक है हो गया, मैं इन लोगों से रिश्ता तोड़ रहा हूँ, वापस आप आ जाओ, फिर से हम रीयूनाइटेड हो जाता है, आप सोचेंगे? ये फैन वट वाला मामला है, मतलब आप कंसीडर करेंगे साफ रिजेक्ट नहीं? हमारा रास्ता जो है आज हमने तय कर लिया है, हमारा रास्ता बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा का है, और उन्होंने उस रास्ते को चेंज कर दिया है, इसलिए तो हमने ये सरकार बदलाव सरकार चेंज कर दी, लोगों के मन की सरकार लाई, जो गठबंधन बीजेपी और शिवसेना की चुनाव लड़े थे हम साथ में, सरकार उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए सरकार बदल गई। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, और 2.5 साल में क्या किया है, सब डेवलपमेंट को ठप कर दिया है, सब योजना बंद कर दिए, किसानों की योजना बंद, ये योजना बंद, मेट्रो बंद, वो बंद, सब बंद। तो हाँ, हमने वही तो चेंज कर दिया, लोग देख रहे हैं आज सब जगह पर प्रोजेक्ट शुरू है, देश में नंबर वन इंफ्रास्ट्रक्चर में महाराष्ट्र है, नंबर वन वेलफेयर स्कीम में महाराष्ट्र है, नंबर वन इंडस्ट्री में है, तो हमने तो रास्ता हमारा तय कर लिया है, और हमें केंद्र की सब मदद मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल रही है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें मदद कर रहे हैं, अमित भाई हमें मदद कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार तेजी से चल रही है। दोबारा शिवसेना के एक होने की कोई संभावना नहीं है? देखिए अभी हमारा रास्ता जो है, क्यों हमने चेंज किया, क्योंकि जहाँ विचारधारा कोई तोड़ मरोड़ा गया, विधायक जो है MLA जो है उनकी सुनवाई नहीं, उनकी डेवलपमेंट के लिए चुनाव क्षेत्र के जो लोग क्यों चुन के देते लोगों को, क्योंकि उनके चुनाव क्षेत्र में असेंबली इसमें डेवलपमेंट हो। हम इतने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जब, तो इतना काम है अगर आपको लोगों के सामने रखने के लिए, तो वाई इज दिस होल यू नो डिस्कशन अराउंड कि वोट जिहाद हो रहा है, कंसोलिडेशन की जरूरत है हिंदूज में? नहीं देखिए, इसमें क्या है, क्या है, क्या जैसे लोकसभा चुनाव में जो हमारे लोग हैं वो जितने एकजुट होकर वोटिंग करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, क्या वोट परसेंटेज बढ़ाना, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, ये तो जैसे सरकार का काम है, लोगों का काम है, तो वो बता रहे हैं कि एक होकर वोट करो। एक अपने विचारधारा की बात की, जब अजीत पवार को आप लाए तो फिर आपके नीचे शिव सैनिक्स में
क्या मैसेज जाएगा? देखिए, हमारी तो जो आइडियोलॉजी की अलायंस है, शिवसेना और बीजेपी सेम आइडियोलॉजी वाली पार्टी है ना। अजीत दादा जो आए वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे आए, देश को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, देश को पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन हो रहा है। आज हम देखते हैं कि पहले प्रधानमंत्री कहाँ जाते थे कोई पता नहीं चलता, आज मोदी जी जाते हैं तो दुनिया देखती है। आज ही मैंने कही, पर कल ही कहा शायद, रूस और अमेरिका का भले लड़ाई है लेकिन दोनों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को मानते हैं। अच्छा, मैं अचानक थोड़ा पॉलिटिक्स से हट के पूछ रहा हूँ, मैं अचानक कुछ पढ़ रहा था, अकेले पता चला कि आपने 11th के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर दोबारा से आपने ग्रेजुएशन के 2014 के बाद 12th में छोड़ी, बाद में बीए करी मैंने, एमए फर्स्ट की और एमए फाइनल भी करने वाला था मैं, लेकिन ये सरकार चेंज वाला मामला आया, वो एग्ज़ाम देना पड़ा। तो 2022 में एमए फाइनल ईयर कर रहे थे? अच्छा, किस चीज़ में क्या पढ़ना चाहिए ना, पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉलिटिक्स मेरा। अब ये जो थोड़ी पर्सनल होगी, एक और पर्सनल पूछ लेता हूँ। आपके बेटे श्रीकांत, सब मानते हैं काफ़ी कर्मठ हैं, काफ़ी काम करते हैं, आप कैबिनेट तो उनको, हम सब सोच रहे थे शायद कैबिनेट भी आप लेके आएंगे यूनियन कैबिनेट में। देखिए, सब जितने भी मेरे एमपी से 7 लोगों ने कहा था, श्रीकांत की सिफारिश भी की थी इनको मंत्री बनाओ। श्रीकांत ने खुद कहा कि मुझे तो बहुत समय है, हमारे सीनियर एमपी को मंत्री बनाओ। मेरे मन में भी वही था, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मालिक और नौकर की नहीं है। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये खुद श्रीकांत भी ये चाहता है। पार्टी में हम सब एक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और डिसिप्लिन तो चलनी चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए, लेकिन जब मौका आता है तो हमें कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है। और जो कार्यकर्ता काम करेगा आगे बढ़ेगा। हमारे में ये मेरा बेटा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये परिवारवाद वाली बात आएगी तो पार्टी आगे नहीं बढ़ती। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वर्कर को ताकत देने, हम उसको बड़ा करेंगे तब पार्टी बढ़ेगी। हम पूरी ताकत पूरी पावर एक जगह रखेंगे तो पार्टी नहीं बढ़ेगी। 2022 से अभी तक आपकी पार्टी क्योंकि एक स्प्लिट हो गई शिवसेना में, आपके कार्यकर्ता काफ़ी स्प्लिट हो गए, कई नेता वहाँ पे रह गए, कई यहाँ पे आ गए। आप पार्टी बढ़ने की बात कर रहे हो, 2022 से अभी तक 2 सालों में कैसे आपके पार्टी का विस्तार हुआ है? लोकसभा में तो हमने प्रूव किया है, वो यूबीटी से हम अब 7 सीट जीते थे, शेयर भी ज्यादा हो गया, 13 सीट, स्ट्राइक रेट भी हमारा बढ़ गया है, और जहाँ वो गढ़ कम मानते थे वहाँ हम जीत गए। और जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था पहले, तो यूबीटी तो 5वें 6वें नंबर पे गए थे। तो इसका मतलब साफ है कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली शिवसेना पार्टी हम आगे बढ़ा रहे, उनके विचार को आगे बढ़ा रहे। इसलिए यूबीटी के साथ में जितने लोग थे, कई लोग अभी 50 MLA मेरे साथ जुड़ गए, 13 सांसद जुड़े उस वक्त, अभी हजारों जो पार्षद हैं, जिला परिषद मेंबर हैं, और लाखों कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। रोज़ जुड़ना शुरू है, ये पार्टी बढ़ रही है ना, और विधानसभा में आपको और दिखाई देगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सॉरी लोकसभा चुनाव में एक ये भी मतलब कई मेनी लीडर्स फ्रॉम योर साइड हैव आल्सो एक्सेप्टेड दिस कि जितना वोट ट्रांसफर महाविकास आघाड़ी के एलाइज में हुआ एक दूसरे के लिए, उतना शायद महायुति में ना हो पाया। शायद ऑन द ग्राउंड उतनी यूनिटी नहीं थी बिटवीन पार्टी वर्कर्स जितनी महाविकास आघाड़ी में देखने मिली।
तो अभी छह महीने हो चुके हैं लोकसभा इलेक्शन से, उस पे हाउ डिफरेंट डज इट लुक नाउ? नहीं देखिए, उसमें शिवसेना और बीजेपी के जो वोट ट्रांसफर के परसेंटेज जो है वो बराबर है। अजीत दादा बाद में आ गए, थोड़ा इधर उधर मिलनसार हो रहा कार्यकर्ताओं का, थोड़ा समय लगता है लेकिन विधानसभा में जरूर हो जाए। ये क्यों बताएं, हमें कहा गया कि बाकी मुख्यमंत्रियों को जब प्रधानमंत्री से बात करनी होती है तो काफ़ी लेयर के थ्रू जाना पड़ता है, इसके उसके थ्रू, और आपका जो भी से डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री से चलता है और गाइडेंस से लेकर जो भी सीधे डायरेक्ट आपका रेपो बना हुआ, सही बात है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को एक काम करने वाला, मेहनत करने वाला कार्यकर्ता बहुत पसंद है, वो मेरे काम से भी खुश है और अच्छा काम होता है तो वो शाबाश की भी देते हैं। आप अपने पिताजी को भी मिलाने ले गए थे, पूरे घर का पिक्चर देखा था हमने। वो प्रधानमंत्री जी भी बहुत मेहनत करते हैं ना, 10 साल में काम जितना 50-60 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया उतना उन्होंने किया है, 10 साल में एक छुट्टी भी नहीं ली, तो ऐसे कर्मठ प्रधानमंत्री है तो उनको कर्मठ कार्यकर्ता अच्छा लगता है। अच्छा मुझे पता है आप थके हुए सोने, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सारे स्टेट अपना अपना एक टारगेट सेट कर, जैसे योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि $1 trillion की उनकी इकोनॉमी बनेगी यूपी की 27 तक, ऐसा कुछ आपके आपने भी कुछ सेट कर रखा है कहाँ महाराष्ट्र की इकोनॉमी जाएगी? हाँ बिल्कुल, हमारा तो अभी हमने तो नीति आयोग के धरती पर मित्रा किया है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की है, हमारे हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इंडस्ट्री आ रही है यहाँ पर, और हमारा नीति आयोग ने कहा कि $1.5 trillion हमारा गोल है, लेकिन उन्होंने कहा कि $1.5 trillion सिर्फ मुंबई MMR में, इतना पोटेंशियल है। तो पूरे स्टेट में हम ये जो डेवलपमेंट है सिर्फ कुछ ज़िलों में है, उसमें हम ये डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, रीजन वाइज डेवलपमेंट होनी चाहिए और इससे काफ़ी हमारे स्टेट को बढ़ावा मिलेगा और ये स्टेट जो है हमारा ये कंट्री का ग्रोथ सेंटर है। मोदी जी ने खुद कहा है कि ये पावर हाउस बनेगा, ये फिनटेक कैपिटल बनेगा, ये मुंबई जो है इंटरनेशनल सिटी है, ये फिनेंशियल हमारे कैपिटल है, तो ये जो है ये हमारे पास पोटेंशियल है, इसमें हमको सिर्फ अभी काम कर रहे हैं हम, मतलब इसके लिए सेकंड टर्म की जरूरत है। 2 साल में हमने बहुत किया है तो सेकंड टर्म 5 साल हमारे गवर्नमेंट को मिलते हैं तो हम, अच्छा बार बार कह रहे गवर्नमेंट को मिलते हैं। चलिए सिद्धू साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।